न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं एक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर ने पिछले 24 घंटों में 37 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। नागपुर जिले में मंगलवार को एक ही दिन में कोविड 19 के 37 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 37 मामलों में से 14 नागपुर ग्रामीण में दर्ज किए गए हैं, जबकि 23 ने शहर में उपन्यास कोरोना वायरस की सकारात्मक परीक्षण किया है। इसके साथ ही संचयी मामले 5,78,468 तक पहुंच गए हैं। बरामद व्यक्तियों की संख्या बहुत प्रभावशाली है। कुल वसूली के 5,67,806 तक ले जाते हुए 37 व्यक्ति कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। रिकवरी दर अभी भी 98.21% है, लेकिन प्रक्रिया मामलों में मामूली वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 324 हो गई है। जिले में कोविड 19 मामलों में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है और केवल 3 व्यक्ति अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। जिले ने प्रशिक्षण में वृद्धि की सूचना दी, जो 2014 तक पहुंच गई है। नागपुर ग्रामीण ने 599 परीक्षण की सूचना दी है और शहर में 1,415 प्रशिक्षण दर्ज किए गए हैं, जिसमें संचयी प्रशिक्षण 54,50,324 था। कुल नमूनों में से 87 का परीक्षण सकारात्मक होने के साथ महत्वपूर्ण परीक्षण सकारात्मकता दर PPR एक बार फिर घटकर 2% कम हो गई है, जो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेतक है। मामले धीमी गति से बढ़ रहे हैं और कई मरीज होम आइसोलेशन में एक हफ्ते के भीतर ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने की दर नग्न है। क्षेत्र में करीब 596 मरीजों का इलाज चल रहा है। नागपुर जिले में 324 का हिसाब है, इनमें से 324 में से केवल 3 का इलाज चल रहा है और बाकी सभी होम आइसोलेशन में है। विदर्भ के अन्य हिस्सों में उपचाराधीन रोगियों में से 10% से अधिक कम अस्पताल में भर्ती है। नागपुर जिले में दैनिक परीक्षण संख्या मंगलवार को 2000 अंक को पार कर गए, जिसमें शहर के 1415 और ग्रामीण नागपुर में 599 परीक्षण किए गए। उनमें से शहर से 23 और ग्रामीण नागपुर से 14 ने सकारात्मक परीक्षण किया। मंगलवार को जिले से 30 मरीज ठीक हुए, इनमें नागपुर शहर NMC के 28 और ग्रामीण से 2 शामिल है। इससे पता चलता है कि नागपुर शहर में यादृच्छिक परीक्षण के माध्यम से सकारात्मक पाए गए रोगियों में बहुत हल्के प्रकार के कोविड है, जो बिना किसी जटिलता के ठीक हो रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहें MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है।